वो और होते होंगे जिनके लिए थ्री मैजिकल वर्ड्स का मतलब अलग है लेकिन एक डिफेंस के लिए जो थ्री मैजिकल वर्ड्स है वो है आई एम आईएनए या फिर एनडीए तो अगर मैं बात करूं आपका तो टू तो ज्वाइन दी आर्म फोर्सेस सीडीएस का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाता है हर साल दो बार ये आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि सीडीएस का एग्जाम क्लियर करके वो आपका जो है ऑफिसर रैंक को ज्वाइन करे इंडियन आर्म फोर्सेस एंड साथ ही साथ हमारे देश की सेवा जो है वो आपका करे लेकिन जब भी हम आपका सीडीएस का एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं उससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए तो मैं उन सात चीजों की बात करूंगा जो कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर सी डी एस एग्जाम प्रिपरेशन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटर प्लानिंग देखिए जितनी जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं उतना ही आपके पास टाइम होता है टू कंप्लीट दी कंप्लीट सिलेबस ठीक है पूरा सिलेबस क्योंकि आपका काफी वास्ट सिलेबस है एंड टू कंप्लीट इट विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन वो पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए यू हैव टू हैव अ बेटर प्लानिंग अप्रोच बिफोर स्टार्टिंग दी सी एग्जाम प्रिपरेशन क्योंकि जब यह आपका बेटर अप्रोच होगी बेटर प्लानिंग होगी तभी आप अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे एंड देन यू विल हैव टाइम फॉर है रिविजन एज वेल एज मॉक टेस्ट एंड कैन डू इन द लास्ट फ्यू डेज ठीक है कि आप जितनी जल्दी शुरू कर सके अपनी तैयारी शुरू करें बेटर प्लानिंग के साथ बेटर अप्रोच के साथ और ये जो प्लानिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करें बिकॉज यूपीएससी यू डू नॉट नो की कहा से क्या चीज पूछ सकता है इसी के साथ साथ अगर बात करूं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आपका जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है एंड दे आर एस्पिरेंट एंड दे एस्पायर टू ज्वाइन दी इंडियर थ्रू सीडीएस एग्जामिनेशन है ना तो आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे जो कि आपका जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं अब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है फॉर द एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ आपको दिन में भी वो लिमिटेड टाइम ही मिलता है अगर आप ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी कंफ्यूज आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़े और क्या ना पढ़े और साथ ही साथ ऐसा होगा बहुत बार रिपिटेशन होंगी क्योंकि आपका एक प्रॉपर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम को मैनेज करें अपने टाइम में जो पूरा ट्वेंटी आवर्स का आपके पास एक दिन में टाइम होता है देखे कहां पर आप जो है टाइम को यूज कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दे ठीक है बहुत बार ऐसा मैंने देखा है आपका जो है कि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया की वजह से आपका जो है अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं हो पाते उसके लिए आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं आपके फोन में सेटिंग्स में जाए डिजिटल वेलबींग को आप देखें उसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है इन अ डे इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच स्क्रैच का मतलब है राइट फ्रॉम योर बेसिक्स ठीक है क्योंकि जब आप बेसिक से आप जो है अपनी तैयारी करते हैं बेसिक से तैयारी करने के बाद ही वो क्वालिटी आपके अंदर आ आप पाती है ठीक है बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है यूपीएससी का जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है टू क्लियर द एग्जामिनेशन दैट इज कि इजेप्ट आपके प्रॉपर हो कंसेप्ट आपके क्लियर हो और वो कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे आपका एनसीआरटी से तो बेसिक्स को क्लियर कीजिए स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आपका जो है कंसेप्ट प्रॉपर नहीं है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी आपको आगे बढ़ने में या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन को क्रैक करने में तो इसलिए ऑलवेज यूज द ऑथेंटिक रिसोर्सेज एनसीआरटीज को पढ़े स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े बाकी किसी भी चक्कर में ना आए इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देन दिस टाइम जो कि आपके पास अभी है दिस टाइम इज टू मेक द मिस्टेक्स ठीक है

वो सब चीजें देख सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपनी पूरी प्लानिंग आप जो है कर सकते हो बिफोर द एग्जामिनेशन लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में होंगे तो देन देर इज नो रूम फॉर द मिस्टेक्स वहां पर आपको मिस्टेक कमिट नहीं करनी है तो उससे पहले आपको जितनी मिस्टेक्स कमिट करनी है डू दैट और अपने आप को उन मिस्टेक्स से टेक लेसन उन मिस्टेक्स से Plan a आप सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ठीक है सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो उसी के बाद हमें आइडिया मिलता है कि आपका एग्जाम लाइक सिनारियो क्या होता है वो जो प्रेशर होता है ना दो घंटे टिक टॉक टिक टॉक टिकटॉक वो टाइम आपका कम होता चला जाता है और उस जो प्रेशर में जो मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता है अल्टीमेटली वो आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब उससे पहले उसी सिनेरियो में बैठकर आप एग्जाम देंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए एंड देन मेक योर रेडी फॉर दी अपकमिंग सी एग्जामिनेशन इसी के साथ साथ डू मल्टी ठीक है आपको पता है कि एक जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है वो सिर्फ सीडीएस के लिए एस्पायर नहीं कर रहा है एक डिफेंस एस्पिरेंट है उसके सामने का भी है, उसके सामने सामने का का भी भी एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन है है सीडीएस मैंने देखा है बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स आपका आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका ए सी आई ओ का एग्जाम आपका देते हैं ठीक है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो एस का जो आपका जो ग्रेजुएशन uh, लेवल का जो एग्जाम होता है वो आपका बहुत सारे बच्चे देते हैं तो जब आप एक तैयारी एक लेवल से शुरू करेंगे तैयारी में एक अच्छा खासा आपके पास टाइम होगा तो उस उस वजह से आप क्या कर सकते हैं मल्टीटास्क कर सकते हैं आप न्यूमरस एग्जामिनेशन को एक साथ आप जो है हिट कर सकते हैं एक साथ आप जो है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ साथ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं छह दिन पढ़ो और एक दिन रिविजन ये अपना लो ठीक है ये ट्रिक अपना लो छह दिन मेरे को पढ़ना है और एक दिन मेरे को रिवीजन का रखना है ठीक है और लास्ट में भी जब आपका एग्जाम पास हो तो उससे पहले बीस पच्चीस दिन सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए होने चाहिए साथ ही साथ आपके वीक एरियाज पे काम करने के लिए होने चाहिए ये चीज ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है ठीक है तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखें और अल्टीमेटली प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन को प्रॉपरली हैंडल कर पाए एंड अपना जो है एग्जाम आप दे पाए एंड फॉर माई कंप्लीट गाइडेंस पर्सनल गाइडेंस आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस के अपडेट्स डेली पीवा और लाइव इंटरक्शन भी आपको मिलता है ऑन माई टेलीग्राम अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू आर कोर्सेस आप कॉल कर सकते हैं नाइन सिक्स जीरो फाइव टू नाइन जीरो फोर इस नंबर पर एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा शेयर करना ना भूलिएगा एंड प्लस सब्सक्राइब टू बाई जो एग्जाम थैंक यू बाय टेक केयर जय हिंद अपना ध्यान रखे और सुरक्षित रहें